वीडियो गेम्स, मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है। एक बार तो मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि कितना पसंद है मुझे वीडियो गेम्स, क्योंकि मेरे को तो बचपन से शौक है गेम्स खेलने का। कैसे मैंने तेरी जिंदगी के साथ खेला। जब मैं छोटा बच्चू था, आई रिमेम्बर बेगिंग माई पेरेंट्स की, मम्मी ये कैसेट वाले गेम खरीद के दो ना, इसमें 9 बिलियन गेम्स आते हैं। हाँ, बस यही पूछ तू, कभी ऐसे ही रास्ते में बुक्स की दुकानों में रोक के बोला कि मैम मुझे जनरल नॉलेज की बुक खरीद के दो ना, मुझे सारी नॉलेज सीखनी है। लेकिन नहीं, तुझे तो ऐसे फालतू चीजें चाहिए, नहीं मिलेगा। पढ़ाई कर, नाम रोशन कर ले अपना। क्यों मम्मी, प्रदीप नाम अच्छा नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स को हर चीज का इतना ओवर रिएक्शन क्यों करना होता है। मैंने आपसे बस एक चीज मांगी, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, हाँ या ना। मुझे तो तीसरा ऑप्शन भी दिख रहा है, 1 घंटे का फालतू लेक्चर दो। नहीं, ये गलत है साला, ये कहाँ से आया? कंप्यूटर जी, क्या कर रहे तू? नशा। Well, at least he's honest. You know, वैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये खरीद के ना ही क्यों दिया हो, मैंने स्टिल इनके साथ खेला है, थैंक्स टू वन ऑफ माय कजिन्स। ये कैसे, देख इसमें 25 दिन में 25 साल बाद। पापा मेरा प्ले स्टेशन 6 ऑन नहीं हो रहा, ऑन करके दो ना। रुको बेटा, इसका अभी भी चल रहा है। 999 गेम्स इन वन है, ये किसका बच्चा है? अंकल चौकी दो ना। मेरे कजिन के पास वैसे बहुत सारी कैसेट्स भी थी, लिटरली मेरे सामने फ्लैक्स मारता था। ये देख रहा है तू? अरे लगता है तुझे दिख नहीं रहा है, ये ले तेरी आंख में घुसाता हूँ। वैसे मुझे बाद में मालूम पड़ता है कि इस बंदे ने इतने सारे कैसेट्स अपने दोस्तों से बोरो किया था, और इस मनुष्य को बोरो का मतलब लगता है हमेशा के लिए खुद के पास रखना। मेरा ये। रुको, हम ब्लैक एंड व्हाइट टाइम की बात कर रहे हैं, लेट्स गेट टू द करंट टाइम। आजकल गेमिंग यानी इंडिया में चल भी क्या रहा है? गेमिंग का मतलब इंडिया में होता है मोबाइल गेमिंग। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम गेमर हो, क्या मतलब फ्री फायर और BGMI खेल के खुद को गेमर नहीं बुला सकता? वैसे रुको, मोबाइल गेम्स की बात कर रहे हैं तो कैंडी क्रश को कैसे भूल सकते हैं, हर किसी की मम्मी या दीदी के फोन में ये जरूर इंस्टॉल्ड रहता है। ओए, ये देख मैं 1000 वाले लेवल पे पहुंच गई। इधर दिखा, ये 1000 वाले वाले साला दिख तो सेम ही रहा है, बॉस फाइट किधर है? बॉस फाइट ये क्या होती है? मेरी तो रेंद है। चलो एक राज की बात बताता हूँ तुम लोगों को, मेरे सारे दोस्त नल्ले और एकदम यूजलेस है, इसलिए मैं अपने साथ गेम खेलने के लिए कोई गेमिंग बड़ी ढूंढ लेता हूँ। सो लेट्स से मैं गया किसी पार्टी में, मुझे कोई मिला, मैंने उससे बात की, मुझे ये बंदा लगा कूल, मुझे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इसका बात करने का तरीका सब अच्छा लगा। तो मैं इससे पूछता हूँ, भाई तू गेम्स खेलता है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाँ बोलेगा। हाँ, नाइस, इसने हाँ बोल दिया। अच्छा, ऑनलाइन गेम्स? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ऑनलाइन गेम्स ही बोलेगा। हाँ, ऑनलाइन गेम्स। नाइस, कौन सी गेम्स? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वैलो, CS:GO, रेनबो सिक्स, फ्री फायर। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय गोमोन। गोमोन आज लाए हैं अपना PD1320 डिस्प्ले टैबलेट। तो चलो पहले हम बॉक्स ओपन करते हैं। करते ही हमें ये सुंदर सा सेक्सी सा स्लिम टैबलेट दिखता है। अब ये रहे USB एंड C वायर्स जिसको हम अपने टैबलेट में कनेक्ट करना है, एंड इस वायर के एंड को अपने लैप या PC में कनेक्ट करना है। फिर आता है ये अडैप्टर जिससे तुम्हें अपने टैबलेट को पावर करना होगा, एंड ब्रो हियर इज द पेन जो कि आता है 8192 लेवल्स ऑफ प्रेशर के साथ। बोलने में थक गया मैं। एंड इसमें एज अ गिफ्ट तुम्हें ये लेदर स्टैंड देते हैं जो कि बहुत पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट भी है यूज करने के लिए। एंड इसमें आते हैं एडिशनल बटन्स जिनको तुम कस्टमाइज भी कर सकते हो गमन के ड्राइवर के साथ। एंड अगर तुम मेरी तरह लेजी एंड केयरलेस हो जो अपना सामान इधर उधर फेंकता है, तो हियर इज अ पेन होल्डर जिसमें तुम अपना पेन रख सकते हो, जिसको खोलोगे तो तुम्हें अपने पेन के लिए एडिशनल निब्स भी मिल जाएंगे। या उसमें ये ग्लव्स भी आता है सुंदर सा, इससे ही मालूम पड़ता है लोगों को कि तुम 100% आर्टिस्ट हो, चाहे तुम्हें कुछ बनाना आए या ना आए। बात रही इसमें ड्रॉ करने की, तो हाँ इट्स अ लॉट ऑफ फन, सब कुछ बहुत स्मूथ एंड रेस्पॉन्सिव फील होता है ना। अगर तुम लोगों को चिंता है कि टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन में कलर डिफरेंस कितनी होगी, नॉट अ लॉट, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कंपैरिजन। ऑल्सो गोमोन ने अपने और 2 बड़े साइज के डिस्प्ले टैबलेट्स Amazon स्टोर में लॉन्च किया है, तुम लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल गोमोन PD1320 वेरी गुड डिस्प्ले टैबलेट है, एंड अगर तुम लोग इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी भागो और खरीदो, थैंक्स टू गोमोन। अभी बैक टू वीडियो। अब इधर आ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को मेरी पर्सनल फेवरेट गेम बताता हूँ।
मेरे को स्टोरी मोड गेम्स बहुत पसंद है। हाँ, माइनक्राफ्ट भी काउंट कर सकता है सिंस इट हैज अ स्टोरी, लेकिन माइनक्राफ्ट मुझे डिफरेंट रीजंस के लिए पसंद है। माइनक्राफ्ट में वाइब है भाई। मुझे पर्सनली असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइज या द एज़ियो ट्रायोलॉजी। ओ हेलो डैडी, एज़ियो डैडी। ओके ओके ठीक है, मैं थोड़ा स्लिप हो गया ज्यादा ही। असैसिन्स क्रीड ही वो गेम फ्रेंचाइज थी मेरे लिए जिसने मुझे गेमिंग की तरफ और खींचा, और अब मैं इनको खेल के अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा हूँ। पता नहीं इन गेम्स पे जो आज तक मैंने टाइम वेस्ट किया उनको किसी और चीज में डालता तो मैं भी आज सक्सेसफुल होता, मैं भी अंबानी होता। But I still love games. अब देखो मैं ऐसा भी बंदा हूँ जिसको गेम्स में अच्छे ग्राफिक्स चाहिए। नहीं, मैंने अपना RTX का PC ऐसा ही नहीं बनाया। मेरे को पसंद है भाई कि आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रेसफुल डे मैं अपने रूम पे आऊं, PC चलाऊं और कोई अच्छी सी दिखने वाली गेम खेल के बैठूं, और मैं अपनी खुद की दुनिया में खो जाऊं जहाँ पे मैं स्वर्ग में हूँ और मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं। आ गया तू स्कूल से, चल चल ये ले सामान की लिस्ट और सामान ला जल्दी से, और ये क्या बना के रखा अपने कमरे को, चल चल जल्दी क्लीन कर और अभी सामान भी ला। वेल, मेरा सपना बर्बाद हो गया। एनीवेज, मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं एक नॉर्मल गेमर हूं, एंड अगर तुम भी एक नॉर्मल गेमर हो तो आई बेट तुम्हें ये लोग जरूर पसंद नहीं होंगे, द कॉम्पी गेमर्स। मुस्तफा भाई, बोलते कुछ भाई, आज हमारे साथ कॉम्पी खेलने प्रदीप आया भाई, चलो इसको दिखाते हैं कि असली प्रो क्या होते हैं भाई। सही बोलते, चलो भाई चलो। बार बार हार रहा हूँ लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है। मजा? अरे तू हार रहा है, तेरे को मजा कैसे आ रहा है भाई? हाँ, तेरे को तो गुस्सा आना मांगती, अपना कीबोर्ड नीचे फेंक के पटकना मांगती, तू मजे क्यों लेते? गाइस, लेकिन गेम्स मजे के लिए होते हैं ना। इधर मजा वजा कुछ नहीं है भाई, सब दुश्मन है, तू भी दुश्मन है, चल तेरा एड्रेस निकाल। वेल, इतने प्यारे प्लेयर्स से याद आया, मेरा एक दोस्त है, इस बंदे को गेम्स के बारे में जो भी पूछो वो सब पता है, इसलिए ये बंदा अभी तक सिंगल है क्योंकि इसने बस आज तक गेम्स में ही ट्रॉफी कलेक्ट किया है, रियल वर्ल्ड में नहीं। लेकिन भाई मेरे पास गेम्स में बहुत ट्रॉफीज है, ये भी बड़ी बात है। ठीक है बच्चे, ठीक है। एनीवेज, ट्रॉफी भी ये चीट डाल के कलेक्ट करता था। हाँ, ये ऐसा बंदा है जिसने कोई नया गेम ओपन किया, बस स्टार्टिंग में दो बार मर के गया, इंटरनेट में जाके चीट्स ढूंढ के डाल देगा। ये मैं तो हैकर हूँ, तू मुझे मारेगा, मार के तो दिखा। ये मेरे पास गॉड मोड है, मैं तो भगवान हूँ। दोस्त बनाना मुश्किल है, लेकिन मेरे स्कूल में ऐसे दोस्त है जिनसे मैं चीज ट्रेड किया करता था, ये पुरानी बात है जब हम लोग साइबर में जाके वाइस सिटी वगैरह खेला करते थे। ठीक है बॉयस, मेरे पास 4 चीट कोड है, GTA वाइस सिटी और सैन एंड्रियास के। मेरे पास भी 4 चीट कोड है। मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं निकल जाता हूँ। वाह, मेरी चीट कोड्स की लिस्ट बढ़ गई, अब मैं घर जाके वाइस सिटी में तबाही मचाऊंगा। ए ए ए ए ए आ जाओ गर्ल्स। हे गाइस, क्या चल रहा है? या आई नो वीडियो लेट आई है, ओके, बट वीडियो इज हियर, आई एम हियर, यू आर हियर, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, you know, अच्छा लगता है अगर लाइक करते हो तो, सो कर दो। एंड चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, नीचे लाल बटन है उसे दबाओ और सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, नाइस। तो यार ये थी मेरी वीडियो गेम्स की कहानी, मुझे तुम लोग अपनी वीडियो गेम्स की कहानियां बताओ नीचे कमेंट्स में। तो यार चलो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।